हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और नए नए क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस सेशन में भी हमने ऐसे ही अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, इन चार सब्जेक्ट्स की जो क्लासेज हैं वो आपको बिना किसी शुल्क के प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ आप रह के बिल्कुल निःशुल्क अपनी तैयारी को कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके अपना किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसकी आप सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ये जो वीडियो रहने वाला है ये आपका, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, मतलब एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसके लिए आपको ये पूरी तरह से मदद करेगा। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल आपको पता है री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो स्पेशली हमने ये जो कोर्स है हमारा ये उसके लिए डिजाइन किया गया है कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ वो भी आप बिल्कुल निशुल्क हमारे चैनल पे कर सकते हैं। बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे एग्जाम्स, या फिर सीधा सीधा कहें तो जिसमें भी आपका मैथ्स एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, हर उस एग्जाम की तैयारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज डिस्कस किया था, परसेंटेज का हमारा ये आज छठा पार्ट होगा, तो आज जो होगा हमारा सिक्स पार्ट होगा। ये तो पुरानी स्लाइड है, तो ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो यहाँ पे हैं। तो टाइप नंबर 6, 7 और 8, ये 9 टाइप भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो 9 में एक्चुअली 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। तो कल तक हमने 9 का ए पार्ट डिस्कस किया था, तो ये वाला जो पोर्शन था ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ये 9 ए था हमारा, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो पी और सी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारा टाइप 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी 1 से 2 क्लास और आएंगी परसेंटेज पे, फिर हमारा ये जो टॉपिक है ये आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। परसेंटेज वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 से 2 क्लास के बाद। तो लगभग मान के चलिए अभी 2 क्लासेज आपको और मिलेंगी, तो थोड़ा टॉपिक बड़ा है ये, इस वजह से थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो बढ़ते हैं आज के टाइप पे अपने। तो आज हमारा टाइप नंबर 9 का ही पार्ट नंबर बी होगा, जो कि रहेगा परीक्षा में पास फेल पर आधारित, और पार्ट क्या है हमारा, बी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक अगर हम सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को समझे तो एक लड़का है जो 20% अंक पाता है, लेकिन अंक पाने के बाद वो जितने भी पास होने के लिए अंक चाहिए थे, जो कि और जितने भी हमें पास होने के लिए अंक चाहिए थे उनसे 5 अंक कम लेके आता है, क्योंकि वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 20% लाके कोई लड़का 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक, मतलब जो एक दूसरा छात्र है वो उसे कितने मिल रहे हैं, 30% अंक मिले हैं। उसे कितने अंक मिले हैं, हमें 30% अंक मिले हैं, और वो जो है उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक पा जाता है। चलिए 30% अंक लाके वो कितने अंक अधिक लाता है, 20 अंक अधिक, मतलब जितने हमें उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए थे उससे भी 20 ज्यादा लेके आता है। तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो गया होगा, पास हो गया होगा। और जब वो पास हो गया है तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे, पास। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है कि अगर पहले तो परसेंटेज का तो हमें दोनों हर केस में डिफरेंस ही लेना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 20 और 30 का डिफरेंस आ जाएगा 10%।
भाई परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ गया, 10%। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो अंकों पे लगेगा। देखिए अगर कोई बच्चा दोनों केस में फेल है, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों कंडीशन में फेल होगा या दोनों कंडीशन में पास होगा या फिर एक में पास होगा और एक में फेल होगा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फेल है एक पास है। अब देखिए जब सेम कंडीशन बनेगी कि चाहे फेल फेल वाली हो चाहे पास पास वाली हो, तो हम नंबरों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब एक पास वाला होगा एक फेल वाला होगा तो हम नंबरों का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दे रखा है एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो अंक क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। परसेंटेज का डिफरेंस कितना आया, 10। अंकों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25। यानी कि 10% की वैल्यू है 25। आपको पता है कोई भी पूर्णांक जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। और 100% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 10% की वैल्यू 25 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 10 की तो ये कितना बन जाएगा, 100%। और इधर भी अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 × 2 = 250। यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, 250 हैं। लेकिन मुझसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत के लिए मुझे सबसे पहले जो इनके नंबर हैं वो निकालने पड़ेंगे। आपको पता है कि जब एक लड़का 20% अंक लेके आया था तो वो 5 नंबर से फेल हो गया, हो गया कि नहीं। आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू कितनी है आपकी, 25। अभी हमने कैलकुलेशन की थी कि 10% की वैल्यू कितनी है हमारी, 25 है। तो 10% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 है। तो मुझे बताओ 20% की वैल्यू कितनी होगी, कि अगर मैं इसमें गुना 2 कर दूं गुना, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा ये 20, और 25 में भी अगर मैं 2 की गुना करूंगा तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा हमारा 50। यानी कि जब वो 50 नंबर लेके आया था तो वो 5 नंबरों से फेल हो गया। तो पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, कि 50 + 5, यानी कि हम कह सकते हैं पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो 55 चाहिए। कितने में से चाहिए, 250 में से। तो 55 / 250 × 2, तो अब 25 से अगर मैं काटूं इसे तो 25 × 2 और 25 × 2 = 250। 55 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 230 / 10 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत अंक कितना है, 22% है। ऑप्शन क्या क्या है, 32, 23, 22 और 20। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। एक तो देखो आपको ये टेबल ध्यान रखनी है, ये जो टेबल है पूरी, ये आपको पूरी ध्यान रखनी है क्योंकि इसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर दोनों बार फेल है तो माइनस करेंगे, दोनों बार पास है मतलब सेम कंडीशन बनी हुई है क्वेश्चन में तो माइनस, और अपोजिट कंडीशन बनी हुई है तो प्लस। तो यहाँ पे देखो एक बार वो फेल हो रहा था, एक बार क्या हो रहा है, पास हो रहा है। आप चाहते तो इस पास वाले से क्वेश्चन से भी कर लेते, कैसे, कि 10% की वैल्यू 25 है तो 30% की वैल्यू कितनी आती, 75। और जब वो 75 नंबर लेके आ रहा है तो वो 20 अंकों से अधिक लेके आ रहा है तो उसके पासिंग मार्क्स कितने आते हैं, 55। कितने में से, 250 में से गुना 100। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है।
पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। अब देखो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा हुई, 80 प्रश्नों की परीक्षा है तो भाई 80 अंक होंगे उसके। अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65%, देखो 80 प्रश्न है टोटल, ठीक है, इसमें से उसने दो जगह डिवाइड करा, यहां 40 और यहां भी कितना 40। अब पहले वाले जो 40 प्रश्न है उसके 65% सही उत्तर देती है, तो आप मुझे बताओ 40 का 65/100 कितना होगा, 30 × 40 20 × 5 100, 5 × 13 13 × 26, मतलब इन 40 में से 26 प्रश्न उसने सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 40 में से 26 प्रश्न उसने सही उत्तर दिए और बचे हुए गलत हैं। अब आगे क्या कह रहा है, पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, अब देखो यहां पे तो उसने 40 में से 26 सही कर दिए, अब पूरी परीक्षा कितने की है 80 की, 80 का 75% कितना, 30 × 80 20 × 5 100 5 × 8 15 और 15 × 60, मतलब उसे 60 प्रश्न सही करने होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। आपको पता है टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं उसे, 60, कितने वो सही कर चुकी है 26, यानी कि अब उसे जो सही करने हैं वो कितने करने हैं 34 सही करने हैं। ठीक है, कितने में से करने हैं 40 में से करने हैं। अब यही पूछा है कि भाई 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, तो आप बताओ मुझे 34 उत्तर सही देने हैं कितने में से, 40 में से और गुना, तो 20 × 40 30 × 5 100 2 × 8 17 और 17 × 5 85, मतलब से 40 प्रश्नों में से उसे 85% प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा यदि वो इस परीक्षा में ओवरऑल 75% अंक प्राप्त करना चाहती है। तो आंसर है हमारा 60%, 80%, 75% और 40% तथा इनमें से कोई नहीं। तो यहां हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ई होगा, ऑप्शन नंबर ई जो कि है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अब उसे कितने नंबर चाहिएंगे 85% नंबर चाहिएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन अप्रोच किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब जब एक बच्चा 20% अंक लेके आ रहा है तो वो 30 अंकों से फेल हो रहा है, तो हमने एफ लिख लिया, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक लाके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो ये क्या हो गया, ये 42 से पास हो गया। आपको पता है कि एक फेल है एक पास है, तो नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 30 और 40 70, 70 और 2 72, और परसेंटेज का क्या होगा, हमेशा डिफरेंस लेना है, तो 20 और 32 का डिफरेंस कितना 12, यानी कि 12% की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 72। पूछा क्या है हमसे, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है, तो पास होने के लिए कम से कम अंक कितने चाहिए। आपको पता है 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमें परसेंट भी निकालना है, 600, मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 600 है। अब कह रहा है देखो आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी है 6, तो जो 20% अंक ला रहा है वो 30 से फेल हुआ है, तो 20% की वैल्यू कितनी 30 × 6 यानी कि 120, और 30 से फेल हो गया यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 150, किसमें से 600 में से और गुना 2, तो 0 से 0 कट गई, 15 × 60, 4 से इसे काटेंगे ये आ जाएगा आपका 25%।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 25% हो जाएगा। अगर हमसे अंक पूछे होते तो हमारा आंसर जो है वो यहीं खत्म हो जाता कि 150 अंक चाहिए। अगर हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा होता तो और भी पहले हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है उत्तीर्ण प्रतिशत, तो आंसर क्या हो जाएगा 52, 50, 33 और 25। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। देखिए सेम क्वेश्चन आएंगे आपको, जब मैं पूरा टाइप करा रहा हूं तो सिंपल सी बात है एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में ही लैंग्वेज बदलेगी। तो एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और यह 6 अंकों से फेल हो गया। मतलब जब कोई प्रत्याशी 30% अंक लेके आ रहा है तो वो 6 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। मतलब ये 6 से पास हो गया, तो परसेंटेज का डिफरेंस 10, नंबर जुड़ जाएंगे 6 और 6 12, 10% की वैल्यू 12 है तो 100% की कितनी होगी अधिकतम। देखिए हमसे क्या पूछा है, परीक्षा में अधिकतम अंक बताने, तो मुझे बताओ 10% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि अगर मैं 10% में 10 से ही गुना कर दूं तो मेरा जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, 100% आएगा। तो आप क्या करोगे, 12 में भी गुना कर देंगे, 10 की 12 धाई 120, तो 100% की वैल्यू कितनी, 120। और यही क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन है 150, 120, 100 और 180। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राजीव को किसी परीक्षा में, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, कितने अंक मिले, 20%, और वह 24 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल होना, यानी कि 20% अंक लाके 24 अंकों से क्या हुआ, फेल हुआ। अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, उसे कितने मिले, 45%, और उसके जो अंक हैं वो 45 अधिक हैं। इसका मतलब देखो यही होता है कि उसके 45 अंक अधिक हैं। डिफरेंस कितना आएगा, 25, क्योंकि 20 और 45 का डिफरेंस, और एक फेल है एक पास है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 40, 50, 60 और 9, 69। पूछा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, तो ये प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। आपको पता है देखो, जब 25% की वैल्यू कितनी है, 69, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कह दोगे 69/25, और हमें क्या चाहिए, 100%, क्योंकि हमें पूर्णांक चाहिए पहले, तो 25 चौका 100, तो 69 × 4, 4 × 36 = 6, 4 × 24 और 25 × 26 = 27, 4 × 36 = 6, 4 × 24 = 25 × 26 = 27, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 276। अब 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 69/25, अगर मैं 20% की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी, 1% बराबर है 69/25 के, तो 20% बराबर होगा 69। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कोई ना कोई नंबर चेंज हो रहा है, टाइपिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, और इनटू कितना करेंगे, 20, 5 × 25 = 25, 5 × 20, और ये बन जाएगा आपका 4 × 36 = 6, 4 × 24 = 25 × 26 = 27, 276/5, ठीक है। अब 5 से अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 5 × 25 बचा कितना आगे, 2, 5 × 25 और 5 × 2 = 10, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 55.2। अब 55.2 कितने में से चाहिए, 276 में से और गुना 100, चलिए सही है शायद क्वेश्चन हमारा। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लग जाएगी, या जीरो भी ना लगाओ,
तो आप इस जीरो से ये काट भी देंगे। अब 276 का डबल जो होता है देखो यही आएगा, 27 दूनी 54, तो इसका जो डबल है वो कितना है 552 है, और 10 दूनी कितना आ जाएगा 200 दूनी 400, 70 दूनी 140, 6 दूनी 12, हाँ बिल्कुल 210 दूनी कितना आएगा 20। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई क्या? 5 5 25 बचा कितना आगे 2, 5 5 25 बचा 1, 5 2 10, ये तो ठीक है क्योंकि 20% पे तो फेल हो रहा है ऑलरेडी वो। अरे अरे एक मिनट क्या कर दिया ये, देखो वो चीज तो भूल ही गए हम, यहाँ पे ये थोड़ी ना होगा, कि 20% की वैल्यू कितनी आई है हमारी, पचपन दशमलव दो। मतलब कोई विद्यार्थी जब 55.2 अंक लेके आता है तो वो 24 अंकों से फेल भी तो हो रहा है, तो यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं प्लस 24, तो ये हो जाएंगे 55 10 65 10 75 4 79.2। कितने नंबर चाहिए, कितने में से 276 में से, और इनटू परसेंट के लिए क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे इनटू, तो इनटू 100 करेंगे तो कितना आएगा सॉल्यूशन अब हमारा। अब देखो अब सोल्व करो इसे, इस पॉइंट से ये जीरो खत्म हो गई। अब देखो ये कितना मल्टीपल है इसका 600, और 70 दिया 210, तो ये तो नहीं कट रहा, 3 से काट ले, 3 9 27 और 3 2 6 7 9 7 16 17 18, ये भी कट जाएगा, 3 2 6 3 6 18 और 3 4 12, ठीक है 264 आ गया। 2300 का 92 होते हैं, लेकिन 23 से ये नहीं कटेगा, 23 से कम 23, हाँ 23 से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 4 से कटेगा, 4 2 8 4 से कट जाएगा, 4 हाँ 4 से कट जाएगा, देखो 4 2 8 4 3 12 4 6 24 और 4 6 24, 23 से अब ये नहीं कटेगा, तो पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों में भी नहीं आंसर, चलो 66 6 660 बटे 23 अगर हम करें तो 23 2 46, 2 में तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए क्या पता है प्रोक्स में आ रहा हो आंसर, एक मिनट देखते हैं पूरा चेक करके, 23 2 46 10 56 10 66 यानी कि 20 बचा, और जीरो लगाएंगे 23 से इसे काटेंगे, तेईस 20 8 160 3 8 24 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक बार क्वेश्चन को रीचेक करते हैं, किसी परीक्षा में 20% अंक लेके आता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण है, अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, ठीक है 26 से उत्तीर्ण है, देखो हमने यहीं पे गड़बड़ कर रखी है इस क्वेश्चन में, ये 45 से नहीं है 26 से है, देखो ये हो जाता है कई बार कि हम नंबर गलत रख देते हैं और हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, हम हो जाती है ह्यूमन नेचर है ये मिस्टेक होना। चलिए एक बार मैं सारा ही क्लीन कर देता हूं इस पे, चलिए दोबारा से क्वेश्चन को करते हैं इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20% अंक लाके कितने से फेल हुआ है 24 से फेल हुआ है, अरविंद को 45% अंक मिले, अच्छा हमने 45 और 45 दोनों सेम रख दिए थे, 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि ये 26 से पास हो गया। चलिए परसेंटेज का डिफरेंस कितना आएगा 25% और इनका डिफरेंस कितना आएगा 24 6 30 और 20 50, 25% की वैल्यू 50 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 200, यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है 200 है। अब मुझसे क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं,
तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक पूछा है मुझसे। अब उत्तीर्ण होने के लिए आपको पता है जब 20% लेके आया तो 24 से फेल हुआ, 1% की वैल्यू 2 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1% बराबर है 2 के, तो 20% बराबर किसके होगा, 2 × 20 के, यानी कि 2 × 20 कितना हो जाएगा अब हमारा, 2 × 20 हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो यानी कि जब वो 40 नंबर लेके आया था तो वो 24 अंकों से फेल हो गया, 20% की वैल्यू कितनी, तो पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 40 + 24 यानी कि 64, कितने में से चाहिए 32 में से, तो परसेंटेज क्या बनेगा 64/200 × 2, तो 2 जीरो से, दोनों जीरो कट गई, 2 से इसे काटेंगे तो आंसर आएगा मेरा 32%। तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, 32%। ऑप्शन है 30, 38, 32 और 33, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है 32%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और छोटी सी मिस्टेक थी वो हमने 26 की जगह 45 रख लिया था, तो इसलिए हमारे ऑप्शन भी मैच नहीं हुए थे, क्वेश्चन तो हम सही कर देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि फिर ऑप्शंस मैच नहीं होते हमारे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया, तो 30% अंक लेके एक विद्यार्थी 12 अंकों से क्या हुआ है, फेल हुआ है। क्लियर, आगे क्या कह रहा है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लिए, तो उसे 28 से क्या हो गया, वो पास हो गया। पास होने के लिए नियत अंक है, अब देखो नियत अंक पूछे हैं हमसे, प्रतिशत नहीं पूछा, परसेंटेज का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है हमेशा, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 28, 29, 30 और 10, 40, तो 10% की वैल्यू कितनी आई हमारी, 40 आ गई, 28 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अब 10% की वैल्यू अगर 40 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू सीधी सीधी 10 × 40, तो 4 आ जाएगा हमारा, 1% की वैल्यू 4 है, हमसे क्या पूछा है, पास होने के लिए नियत अंक। तो जब एक व्यक्ति 30% अंक लेके आया था तो वो 12 से फेल हुआ, अब 1% की वैल्यू 4 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 30% की वैल्यू कितनी, सिंपल हम 30 की गुना कर देंगे, तो 30 × 4 यानी कि 120। अब 120 अंक लाने पे वो 12 से फेल भी हो गया, तो प्लस 12 नंबर और चाहिए थे उसे, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने, 120 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 132। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन है हमारे 112, 120, 132 और 150, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 132, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये वाला टाइप आप अच्छे से समझे होंगे, जो नेक्स्ट टाइप आएगा उसमें भी हम कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो रहेगा हमारा टाइप नंबर 9 का ही जो है वो सी टाइप रहेगा, और इसी के साथ हमारा जो टाइप नंबर 9 है वो खत्म हो जाएगा। टाइप नंबर 9 अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको केवल मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि है आपकी शारदा पब्लिकेशन, एचडी यादव इसके, डॉक्टर एचडी यादव इसके ऑथर हैं, और पब्लिकेशन जो है वो इसका शारदा पब्लिकेशन है। तो शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं भी आपको जो क्वेश्चंस रेफर करता हूं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं मेरे वो लगभग इस बुक के होते हैं, या फिर एक कोई अदर बुक ले लेता हूं मैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन कभी कभी विविध में मैं आपको करा देता हूं। लेकिन अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो बुक है ये रामबाण साबित होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये टाइप नंबर 9 का सी टाइप है हमारा, परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए उसने, 273, जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। अब देखो, मैंने मान लिया कि परीक्षा का जो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत है, ध्यान रखेंगे उत्तीर्ण अंक प्रतिशत या उत्तीर्णांक प्रतिशत, हमने मान लिया कि वो 100% है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जब वो 273 अंक लेके आए तो उसके जो प्रतिशत थे वो 5% अधिक हैं, तो सिंपल सी बात है उसका प्रतिशत कितना है, 105%। मैंने माना है, देखो माना उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, 100% है, तो यहां माना वाली कंडीशन चलेगी। 105 की वैल्यू कितनी है, 273। अब अगर मैं सोल्व करूं या मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 273/105। आपको पता है, कह रहा है कि यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की है। तो 105 की वैल्यू, तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे 100% की वैल्यू भी चाहिए तो मैं यहाँ पे 100% भी कर देता हूँ कि 273/105 × 100, क्योंकि मुझे तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत निकालना है। तो 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 20 बार, 21 एकम 21, 50 6 और 21 थी 63, और 13 की जब मैं, ये 20 आएगा यहाँ पे, 13 × 26, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए जो नंबर चाहिए थे वो 260। अब लोकेश को कितने मिले, 312, कितने अधिक लेके आया वो, आप कह दोगे कि 52 अंक अधिक लेके आया है, किससे, 260 से, और गुना तो 0 से 0 कट गई, 26 × 52, 10 × 20, यानी कि लोकेश के जो अंक हैं वो उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम अंक से 20% ज्यादा है। ऑप्शन है 20, 27, 25 और 15, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का इससे बढ़िया अप्रोच आपको नहीं मिल सकता है कि आपको सीधा सीधा के उत्तीर्ण अंक प्रतिशत को 100 मान लो। जब आप उत्तीर्ण अंक प्रतिशत को 100 मान लोगे तो बाकी चीजें अपने आप सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि है 20%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, मतलब 3 अलग अलग समूह हैं, पहला दूसरा और तीसरा। पहले वाले समूह में कितने छात्र हैं, 40, दूसरे वाले में कितने हैं, 50 और तीसरे वाले में कितने हैं, 60, और उनमें उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रम से 100%, मतलब पहले वाले ग्रुप से जो पास कैंडिडेट हुए हैं वो कितने हैं, सारे के सारे पास हैं क्योंकि उसने कहा है 100%, दूसरे वाले से 90, तो 50 का 90/100 कितना होगा, 9×5 = 45, और तीसरे के 80, 60 का 80% निकालेंगे, 60×80/100, तो 6×8 = 48, मतलब पहले ग्रुप में से सारे बच्चे पास हो गए, दूसरे में से 45 हुए और तीसरे में से 48। उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत बताइए। अब देखो टोटल कितने छात्र हैं, 60, 40, 100 और 50, 150, पास कितने हुए हैं टोटल, 40×80, 40×3 = 120 और 8 × 5 = 13, 133 भाई, 8×5 = 13 3, 4×1 = 5, 4×9 = 13, 133। अब बताओ 150 में से कितने छात्र पास हुए हैं, 133। हमसे क्या पूछा है, उस समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत बताओ, कितने पास हुए, 100
तैतीस कितने में से, 150 में से गुना 100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, कटेगा नंबर, 3 चौक 12, बचेगा 1, शायद अप्रोक्स में आ रहा है, देखो आंसर 3 चौक 12 बचेगा कितना 1, 3 चौक 12 बबचेगा कितना 1, और 3 तिया 9, अब 44 गुना ये करेंगे कितना आएगा 88.6%। अब ऑप्शन देखते हैं 88, 84, 88, अच्छा 88 दो जगह आ रहा है ये या तो हो सकता है ये मिसिंग है, यहाँ पे कितना आएगा 88.6, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 88.6, सी ऑप्शन को मान लेते हैं, मैंने 0.6 लगा दिया इसमें, तो उनका उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 88.6%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा, देखिए यहाँ पे सी होगा जरूर, सी की अपेक्षा 10% अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि यहाँ पे देखो डी आएगा शायद, ये हम मिसिंग है, एक बार मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन को, वैसे तो यहाँ डी है, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है, कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ए पूछा है हमसे, तो यहाँ डी होगा, तो आपको देखो चार लोग दे रखे हैं कि भाई ए बी सी और डी, आपको कहा है कि ये, और परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं 500, 500 में से डी को कितने मिले हैं 320, तो डी के अंक कितने हैं 320। अब देखिए हमें रिवर्स में जाना है, और जब हम रिवर्स में जाते हैं तो हम उल्टी गुना करते हैं, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, अब देखो सी को डी की अपेक्षा 25%, मतलब जो सी है वो डी से 25%, अब डी के कितने हैं 320, तो भाई 320 गुना कितना आएगा 125/100, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से 8 बार कटेगा, 4 8 32 यानी कि 80, और 80 पंजे कितना हो जाएगा 400, तो यानी कि सी के अंकों की संख्या कितनी है 400, ठीक है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, आगे कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, अब सी को कितने मिले 400, अब 400 अगर सी के हैं और बी को मिले हैं 10% कम, यानी कि 90/100, 0 से 0 कट जाएगी, 90 चौका 360, यानी कि बी के अंक कितने हैं 360, आगे क्या कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो बी के 360 हैं, तो 360 गुना 125/100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 निम 36 और 9 पंजे 45, ये कितना आ गया, ए के अंक कितने आ गए 450, पूछा क्या है मुझसे तो ए को कितने अंक मिले हैं, तो ए के अंक कितने हैं हमारे 450, ऑप्शन 405, 450, 360, 400, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि कितना है 450। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 450 हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको पता है कि भाई एक कॉलेज में 40% छात्रों को तो ग्रुप ए दे दिया, ठीक है, अगर मैं मान लूं कि भाई माना कुल छात्र कितने हैं 100 हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है 100 मान ली, अब 100 में से 40% छात्रों को ए ग्रुप दिया गया है, तो अगर हम ए ग्रुप की संख्या माने तो संख्या कितनी आएगी, ए ग्रुप की संख्या आ जाएगी आपकी ए ग्रुप की के 100 का 40%, तो ए ग्रुप में
100 का 40 बटे 100 करेंगे तो 100 तो कट जाएगा, तो ए ग्रुप में कितने आए, 40 लोग आ गए। अब बचे कितने, आप कह दोगे कि 60 और बचे। अब कह रहा है कि सेस के 75% को बी ग्रुप दिया गया। अब देखो बी ग्रुप में कितने आएंगे, बी ग्रुप में आएंगे 60 के 75%। 75% कितना होता है, 3/4, 4 से काटा 15 और 15 तिया 45, और बचे हुए को सी ग्रुप दे दिया। तो 40 और 40 80 85, तो सी ग्रुप में कितने आ गए, 15, क्योंकि मैंने संख्या कितनी मान रखी है, 100 मान रखी है। अब उसने कहा है कि शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, यानी कि 15 की वैल्यू जो है वो 12 है क्वेश्चन के, भाई ये तो मेरे 15 हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी संख्या कितनी है, 12। तो 15 की वैल्यू है आपकी 12, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 12/15। पूछा क्या है, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि मुझे 100 की वैल्यू बतानी है, तो मैं गुना किसकी कर दूंगा, 100 की वैल्यू बतानी है, तो 12/15 गुना, तो 5 तिया 15 और 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी ये हो जाएगा 20, 3 से इसे काटेंगे 4 और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80। यानी कि आवेदन करने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 80। ऑप्शन है 92, 100, 60 और 80। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 80। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यहां पे भी मिसिंग है कुछ ना कुछ, या तो डी का पूछ रखा होगा हमसे, एक सेकंड में बताता हूं मैं भी। तो हमसे पूछा है डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, तो यहां पे जो आएगा वो डी आएगा। देखो चलिए सोल्व करते हैं, पहले जैसे ही क्वेश्चन है लगभग, कि ए बी सी और डी चार लोग हैं। अब ए को कितने अंक मिले हैं, 360 अंक मिले हैं, तो ए के नंबर कितने हैं, ए के नंबर हैं आपके 360। तो चलिए ए के साथ हम लिख देते हैं 360। आगे कह रहा है यहां ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। अब देखो ए को तो 10% मिल गए, लेकिन इसकी अपेक्षा 10% कम मिले हैं, तो आपको अगर बी के अंक निकालने होंगे तो 360 गुना 100/90 करना पड़ेगा। 90 चौका 360 और 100 चौका 400, यानी कि बी के अंक कितने, 400। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा, तो यानी कि अब मुझे ये बी के अंक थे कितने, 400। सी के अंक अगर मैं निकालूं तो 400 गुना कितने आ जाएंगे, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, तो सी के कितने हो जाएंगे आपके, 400 गुना 100/125। चार सौ गुना 125। अगर मैं सोल्व करूं तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 80 और 8 चौक 32, यानी कि सी को मिले हुए अंक कितने हैं, 320।
आगे क्या कह रहा है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो यानी कि सी को डी के, अब डी के अगर मैं अंक निकालूंगा तो कितने आएंगे, 320 गुना 2/80, 0 से 0 कट जाएगी, 8 चौक 32, यानी कि डी को भी कितने अंक मिले हैं, डी को भी 400 अंक मिले। पूछा क्या है, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो डी के अंक कितने हैं, 400, कितने में से, 500 में से गुना 100, तो 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 80%, यानी कि डी को मिलने वाले अंकों का प्रतिशत कितना है, 80%। ऑप्शन है 90, 80, 50 और 60, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 80%। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए होंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप चाहें, ऑनलाइन में तो ये फैसिलिटी होती है कि आप कितनी बार भी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि लगभग हमने इस टाइप से 18 से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का ये हमारा। वीडियो को अगर आपको पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपना एक सुंदर सा कमेंट लिखेंगे ताकि हमें भी और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो का लिंक, और साथ में एक अच्छा सा कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है, देखो कोई भी परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है, उनमें से 25% ने योग्यता हासिल नहीं की, तो बचे कितने, 75%, और इस 75% की ही वैल्यू कितनी है, 450, कट जाएगा 15×5=75 और 15×3=45, तो 5% की वैल्यू 30 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5×6=30। हमसे क्या पूछा है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है, आपको पता है कितनी मान रखी है, 100, 1% की वैल्यू कितनी है, 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 600। तो राइट आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का, वो है 600, ऑप्शन है 700, 600, 550 और 500, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा, जो कि है 600। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से इसका लिंक, ताकि आपको और आपके दोस्तों को पूरी तरीके से फायदा मिल सके, क्योंकि हम चाहते हैं हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जो पैसे के अभाव में अपनी तैयारी को नहीं कर पा रहा है। तो हम पूरा देखिए, हमारा कोई ऐसा भी वो नहीं है कि हमें पहले आपको पढ़ाएंगे और फिर बाद में आपको कोर्स सेल करने के बहाने से हम पढ़ाना बंद कर देंगे। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलेंगी, और पूरा पूरा बैच, पूरी पूरी क्लासेस, आपको पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा जो भी आपके एग्जाम का होगा। जैसे अभी जो हमारा फोकस है वो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का जो एग्जाम है उस पर हमारा फोकस है, और उसके साथ साथ जो रेलवे के एग्जाम है, जो रेलवे के एग्जाम आते हैं आपके, उसमें भी आपको यहाँ पे ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करने वाली है। तो चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, चाहे आप एसएससी जीडी की आने वाली जो वैकेंसी है 2025 वाली, यानी कि 24 के अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त 2024 में, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वीडियो आपको वहां भी पूरी तरीके से मदद करने वाली है। वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और शानदार सेशन के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।